चलो सराय के समझावा चा वाल गाल समझ आवे छे क्या बड़ी करी है सदन कौन है यार नबी से लोग चलो ई आखो जा मतलब बिरादरी दा खतरा होवे तोडे ऊपर कौन है यार सदन लोग बोल हटता है मस्जिद गलो पता चल गया बाद मस्जिद ही हो जे हैं जिथे अल्लाह से रुके ने बाज मसीता ही हो जिया हैं जिथा अल्लाह अपने नबी को वंजन तु रोके कुरान दी नस है कुरान दी आयत है कुरान दा सबूत है कुरान दा जुज है जैसा जा रोको ऐसा जा रोको मौलवी शरीर है शरारत है हालांकि वो मस्जिद दरीर आई दरार आई ते दरार दरार तू है दरार है शरारत को आदर पर मैं ना वो शरारत वाला घर बनावे ना शरारत फैले आ बनाई होना है मस्जिद तक गई बाण इफ्तिताह थी बनाई जुम्मे को जुम्मे रही हफ्ते रही इतवार रही सवार निभारा मिलिया बैठ थी जीवे चल दिया बन दिए ना जुम्मे को जुम्मे रही हफ्ते रही इतवार रही सवार निवारा मिलिया बैठ थी जीवे जल्दी आए बन दिए ना दरवाजे दीते कहीं लकड़ी दीते कहीं रोशनदान दीते कहीं दरवाजे दीते कहीं इदत किता कहीं मदद की चरण ए ढांदी पई आई जेंदे हाथे च वट्टा आया वट्टा चा गया जेंदे हाथे सेल आई सेल चा गया जेंदे हाथे चट्टान आई चट्टान चा गया जेंदे हाथे रोशनदान आया रोशनदान चा गया जेंदे हाथे दरवाजा आया दरवाजे चा गया एक साबियन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम उन्होंने हाथे च शतीर आया शतीर चा गया शतीर चाते अपने कोठ की छत उत्ते चलाने 8 साल तक शतीर उन्होंने घर के छत ते खड़ा रहा औलाद न थी क्योंकि अलवेदा जबाने चस हो मेरी जबाने चस हे कहना देखो खुशकाली तकरीर बेटा करे ना खुश की तकरीर बेटा करे ना मगर कोशिश की हो बेटा करे ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत मगर परवाह कोशिश कर ले तरला कर दे मिन्नत करे दे अल्लाह से औलाद मिल पवे पीरा को भजा औलाद मिल पवे आमिल को भजा औलाद मिल पवे दरबारा दे भजा औलाद मिल पवे मसीह ते गया औलाद मिल पवे मन तमन्य औलाद मिल पवे कोई मस्जिद ना दामन चकीता ताकि ईंदे बदले अल्लाह मेरी झोली को रंग चलावे 7 साल 8 साल तक इंतजार की तूने औलाद न थी नबी दे हर में पाके चल अब्दुल्लाह इब्न उमर वदिया अगर मैं चाचा कह रहे परेशान क्यों है अगर मैं औलाद कह रही अगर मैं साया को जुल दे पे आखिर में मैं साया को या रसूल दुआ मंगो चाला थी मेरे को औलाद रे बेचा सरकार दिया थे पाक ने फरमाया औलाद दी दुआ मंगो हमने उन्हें के जिया हुन तवज्जो करे आका दिया थे पाक ने फरमाया एक गाल पूछा दसे से उन्हें के जिया फरमा जड़े तेरे कोठे दी छत उते शतीर खड़े कि थो सारे पीर को पता उंगले लगदे जेले उंदे कोल मुरीद पहुंच बने वादे अबे दना दसा वाला दे साल दना दसा वाला दे मा दना दसा वालो गुगी शुगी मरे ले इल्म अल आदाद इल्म जफर उंदे तहत वाल आद दद काद दे वाल तुक्का मरे दे की को दिन तुक्का इल्म क्याफा क्याफा दिन तुक्के तुक्का लग गया का टोल न लगे दा मेस छत उत्ते शतीर खड़े कित्थों आए
अब्दुल्ला सही सरकार दी पाक बारगाह चार किताब मस्जिद दरार उंदा शदीद डट्ठा जेंदे हाथ च कड़ियां या कड़ियां चा गया जेंदे हाथ च दरवाजे दरवाजे चा गया जेंदे हाथ च रोशनदान रोशनदान चा गया जेंदे हाथ च विंडो विंडो चा गया जेंदे हाथ च वट्टे रोड़े चा गए मेरे हाथ च शतीर आया मैं हूं मस्जिद दा शतीर लाए तवज्जो सुना है कंद दिल दे कन्ना नाल पल बात समझ आसी आ कदी रात पाक फरमा हूं दी नहू सतई जेंदी वजह तू तेरी औलाद नहीं थी नारे तकबीर शदीर किस ते खड़ा है कितनी होना साबी देख छातू ते कितनी साल खड़ा मसीत ते कितनी साल खड़ा जुम्मा हफ्ता इतवार सारे वाले ढारी थी गई त्रै दिन त्रै दिन हरा तक मसीत क्या थी दारी आई बिल्कुल एहतियात नाल तकरीर सुनी करो पूरी तवज्जो दे ते सुनी करो अकल दे पूरे तनाबा को ढिल्ला कर दे वल मौलवी दी तकरीर सुनी करो वल समझ आदी त्रहरी वाला मस्जिद क्या थी ना रियाई दरार दरार तू दरार शरारत नबी दे खिलाफ गाली दी नहीं त्रै दी मारा जीता नबी दे खिलाफ थी वे नबी दा थी वे गिल्ला ऊंदे ते खड़े शतीर लावे दे साबी दी छत उते लगे अठ साल त्रै दी मारा जीता नबी दा गिल्ला थी दरिया ऊंदी नहुसत अठ साल तक नहीं मुकी मैं तो जिंदगी वाकफ कर दी है मस्जिद खाने खुदे ذات پاک دا پاک فرمانے جلے قیامت دا میدان آسی رب دی ذات پاک فرمائے سن دنیا دیا بڑیا بڑیا عمارتاں کو زمین بوس کر دو پر جڑیا مسجداں دا رقبہ اے ایکو جنت نال متصل کر دو پتہ چل گیا مسجد جنت دا باغ اے اور جنت دا ٹکڑا اے پر او مسجد جنت دا ٹکڑا اے سننی توجہ सुन्नी तवज्जो सुन्नी तवज्जो ओ मस्जिद जन्नत का बाग है जेड़ी मस्जिद अजमत मुस्तफा बयान थी जेड़ी मस्जिद दरूद सलाम पढ़ी दे जेड़ी मस्जिद सलातो सलाम पढ़ी दे जेड़ी मस्जिद इख्तियारात मुस्तफा होवे जेड़ी मस्जिद मौजजात मुस्तफा होवे जेड़ी मस्जिद मुहम्मद मुस्तफा होवे जेड़ी मस्जिद असाबे हमीदा होवे जेड़ी मस्जिद मुहासन असाबे मुस्तफा होवे जेड़ी मस्जिद गिल्ला थीवे उतन लानत बसती है जितने नबी दे ऐप उते बाता की के वजन ओ रब दी लानत बसती है वो मस्जिद मस्जिद वे जेड़ी मस्जिद या जिक्र खुदा थी ना पे हमें या जिक्र मुस्तफा थी सुभान अल्लाह क्योंकि जन्नत दे नाल ओ टुकड़ा मुत्तसिल कीता वे सी ना जेड़ा जन्नत दा हिस्सा हो सी ना ते जन्नत दे हिस्सा ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਈ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਆ ਕਦੀ ਆਤੇ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੀਦੀ ਆਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮਰਾ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੰਨਤ ਫਰਤਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਸਾਬਨ ਯਾਰ ਕੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕਿਥੋਂ आकदिया
असल देना सी मैं जब तक वसल ना छिला में कोई चास नहीं रहा। वो पहले वसल होंदे हैं निके निके, बंदा छिलिया खींचो पानी आ वेंदा है, ते हुण वसल आ गए इयो जने ईमान बंदा कप्पे ही बैठा ना। अच्छा पहले वसल बंदा छिलिया वेले रोंदा है, हुण बंदा घिना नहीं वेंदा वाले रोंदा चक्के थी वने है। अच्छा मैं तो इन जन्नत को बैठा बयान कर रहा हूं, हुण तो खुशखबरी थी गई है, जेने साडा लीडर आ गया खिलन वेसी जन्नत की थी है, हुण साकू के पता केड़ी जन्नत है। असल छिला ये समझ आ गई वे। अच्छा टूटी मेरा बात, अखबार रिपोर्ट आई पे उन्होंने कितना ही हुरा निकल गई है। चाहे जुम्मे की छुट्टी की इस्तकबाल वास्ते बंदा बने तो जन्नत गया, थोड़ा साडे उत्ते सुलम अज साकू खड़े आ दिन इस रीन ना लड़ो मरो इस रीन को घर चबड़वाए वे हुण कितू कट सकते पहले घरों तक कढ़ो। असाए भाई जाटी दे बंदे मैं जे टाकी तकरी करे ना पढ़ा छड़ाया मैं बिल्कुल कह नहीं वे ए बस उस्ताद और मैं जोर मसाए में गुने तेरी कुर्सी दे भले ने जबल मैं डुगी ती रखना वाला वाला दे तो गुडी ती रखना ते सखी होता ही हुआ जड़ा अपने कोल ना रखे भंडाई रखे। शाकिर शुजाबाद याद आंदे वन शाकिर तू नजफ दे शाह तू पिन एक वारी पिन वाल वांड बे असा जट बंदे चक्की दे आटा चावे ने पिने ने घर चा दे रख दे आटा काट दे विच पानी छड़ दे आटा लोने पेड़े बने ने हाय हाय मियां मोहम्मद भाई सरकार एक बाबा इन अरबे खड़ी आप फरमेंदे सारी उम्र अट्टा गुंधिया लखा कीते पेड़े ए हुण बाबे समझ आवें तावें सारे मोबाइल वाले छोरा कोई बात समझिया ना सारे सारी उम्र अट्टा गुंधिया ते लखा कीते पेड़े जदों आया औखा वक्त हुण कोई नहीं लगदा ने प्यू मां बुढ़ा थी वने लाड किता करो प्यार किता करो इको सोटी दा आसरा ना दिता करो इको मोड़े दा आसरा दिता करो सोटी दे आसरे नाल बाबे को टोरना कमाल नी अपने मोड़े दा सहारा देते बाबे को टोरना कमाल है। सोटियां दे आसरे नाल तो उवें बंदे टोर वेंदे रहंदे अगर सोटी दे आसरे नाल ना टोरो बाबे को अपनी हिम्मत नाल दे। चलो रोटी बड़े ने रोटी पका दे छब्बी च रख दे गिरा बांधे भाजी च बुने ने बोड़ दे खाने अगर इहो गिरा खांदी जात उते गिरा वड्डा होवे ते बंदा जरी टोक ते च खावे अद्धा गिरा हाथे च रहवे ने अद्धा मुंह च रहवे ने इको क्या देवे ए जरा टोक ते खांदे इको क्या देवे टक नाल टोक ते कौन खांदे कुत्ता टोक ते कौन खांदे सारे बोलो कुत्ता बर्गर खाओ चा बर्गर खाओ ये तो ना होता है टोकते कौन खाते टोकते यहूदी खाने क्योंकि कुत्ते वाला खा जाए उन्होंने आज साडा खावना यहूदी वाला थी गए शवारमा किमें खाने चिकन रोल की में खाना सैंडविच की में खाना वो भी आए का बता पा पिज़्ज़ा हेट पिज़्ज़ा ओ टोक ते खाने वो रोटी असा को यात खट्टे टीट है असा निवाला बांधे मुंह में पेने वाल खाने वो तरह सा को टोक ते खावा है तो कुत्ते खाने क्या बात कट्टे इसरील को अपने घर रिचू होने काट सकते हैं मैं आया उड़ा ही बैठा हूं ना चिकचे ना सुना मेरे आगे पोल हल्दी खड़ी है कदना मां की तई सलीला की तई ऐसा समझा है शायद इस्लामी तेवर समेत ते कोई गाल इस्लाम दी करे सी साकु के पता यहूदे ना रल बैसे सुनानो इस्लाम दली बात है जब भेड़िया को सुनानो
جڑے اسلام کو تقریر پیندن خدا دی قسم ہے سات سلام ان بابے خادم رضوی کو کینیا ٹنگا تے کہنا ہن پر محمد دی امت کو ٹنگا تے کھڑا لبے 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 یار دل دا کلے چھت دے تے شتیر کہنا کھڑا ہے او بھائی گالی سنو ترے گالی ہیں بس تے درار دا کہ کتاب لکھی ہے تے میں کو دساب ہے اگر کوئی نہیں نسے نا ول میں تو کو مصنف نسے نا دی کتاب گنو علامہ ضیاء احمد قادری رضوی جے پوری مسجد درار دے ایک ڈاٹ ہم دی کتاب لکھی ہے کتاباں پڑھ دے دیکھو سارے کول ایٹم بم ہیں سبحان اللہ چلو اگن ٹرو آقا دیا تے باگ نے فرمایا اولاد کہنی تھی انہاں کے دیا فرمایا ہون شتیر دی نحوسہ تھے سائیں ترائے گالی پوچھے ہیں آقا دیا تے باگ مرمو عبداللہ ایک بھائی گال پوچھا انہاں کے دیا فرمایا تیرے گھارے گاں ہے انہاں کے دیا فرمایا سوئی کہنی نا 8 سال دی گیا انہاں کے کہنی سوئی فرمایا ہون دی نحوسہ تھے مت نن تو آگے کوئی دشمن ساری جانورا دی سون بد دی کھڑے کوئی کہنی بد دی کھڑا ہون دی نحوسہ تھے جن دی وجہ تو گاں سوئی کہنی اگلی گال سرکار دی آتے باگ نے فرما تیرے گھر ایک کبوتری ہے واقعی جی آ فرما انڈے کہنے سی رہتے نا فرما کہنا فرما ہوں دی نہ ہو سکتا اگلی گال سنا ہے جڑی ڈیونا چانا دل دی تختی دو تے لکھائی این گال دا مہنج میں وارا کتاب دی کھیسا پر فوٹو ہے چھ تے اوہ حوالہ ہی فوٹو ہے جڑی کھیسا کتاب دے سا کہنا مصنف نسی بیٹا گھنگا ہو لکھا نسخے بیٹا ہو ایسا مولوی جب کتاب دیوں جب واپس نہیں بھیجا سارا سیٹ سارا خراب تھی بھیجا اگلی گال سرکار دیا دیبار فرما تیرے گھارے ککڑ ہے پہلے گاں مال کبوتری ہون ککڑ ککڑ سمجھے بھی ککڑ کیا بلا مرغی ککڑ اچھا ایک گالا جاٹ بیٹھے بھی چاس مچی بھئیے ایک ککڑ اذان چلے بھی کیا کریں دے بھی لہو ساتھ ہے بھال کیا کریں دے بھی یعنی مادی بولے تو چھوری چپی رہن دے بھی کیا بات ہے پیرا جانا خوندیا سے یعنی مادی اگر بولے تو چھوری پھیرو گھر نہ بلائیں مذکر چوپے وہ ممبر نے چاڑائی ہے اگاں ٹرو امام مالک سرکار کو ابا دیا کھڑا میرے بیٹیاں کو در سے حدیث دو اب پوچھا مدرسے مدرسے پوچھا دیتا گیا آپ فرما کمرے دے اوتے بڑا سارا کپڑا لٹکا کھڑا دروازے دے سامنے لٹکا دیتا گیا آپ فرما دو ہاتھے سوٹیاں دے آؤ دھیاں دے دو ہاتھے سوٹیاں دیتیاں گیا آپ نے فرما کپڑا کیوں لٹکا ہوئے دے دو ہاتھے سوٹیاں کیوں نہیں دے ہوئے آپ فرما کپڑے دے اڈو بہتے میں تنیاں دھیاں کو پڑے سا حدیث اگر حدیث پڑھی دی جادو تے مسئلہ سمجھ نہ آوے دھیاں کو آگو میرے نال بولے سے نہ متن غیر دی آواز میرے کنے چ پہنچے سوٹی تے سوٹی مرسن کھڑکار تو پتہ لگ ویسی مسئلہ سمجھنے میں مسئلہ سمجھا دے احمدآبادی میں کرو اگر ملوانی تو کچھ چنگی لگ دیے تھا ادھر ملوانی مر بنے والا بھائی مرن دے بعد منہ ہی دکھائے ایک سو شریعت کیا اجازت دے دیے مرن دے بعد عورت کا منہ دیکھنا غیر محرم ہوتا ہے حرام ہے ایویں نہ جائز ہے ایویں نہ اچھا مر بنے اون ویلے نہ دیکھوں وہی ہوئی تھا دیکھنا حرام ہے جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھیڑ اور مر گئی ہیں ماما جنہاں دے پوچھنا کوئی غیرہ نہ دیتا محمد موسیٰ صالح جنگی دوست سامنے شرط رکھی گئی آئی تو اون دے نال نکاح کر جا
ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਤ ਸਹੀ ਅੱਖ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੰਗਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਲੋਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂ। दस साल का तेरा जितना अरसा बेखरी रखवाली गुजरे अद्धा से माफ करवाना चाहे कि औरत नाल निकाह करना पोसिया वाल ते को माफ करे सा। बाबे ने हामी भर दी जले पहली रात कमरे के अंदर मोहम्मद मूसा साले जंगी दे दाखिल वंटे थे वो माजूर नहीं वो जन्नती हो रही। पूछा गया तुसा कहीं अख कहनी अख है, तुसा कहीं हाथ कहनी हाथ है, तुसा कहीं कान कहनी कान है, तुसा कहीं जबान कहनी जबान है, तुसा कहीं पैर कहनी पैर है, वजह क्या है? वहां के पता मैं क्यों वहां कहीं अख कहनी वहां के क्यों वहां कहे अगर मैं ये अख गैर को डिठा ही कहूं। सारे धिया दे हाथ मोबाइल है चलो कुकड़ है जी। अच्छा जेड़ी कुकड़ अजान देवे वो कुदा कौन है ते जेड़ी अंडे पीवे नाथ मरलंगे। अच्छा मतलब है जेड़ी कुकड़ अंडे पीवे वो को नाथ मारो ते जड़ा मुल्क पीवे अपना अंडा है भावे त्रोड़े भावे तले रखे भावे पीवे कोई ना जने एक नाथ मारो अपना अंडा खड़ी पी दिए जरा अपना मुल्क कड़ा पीवे वो सियाने बनो वे सियाने बनो सियाने बनो सियाने बनो पी गए मुल्क जी हाँ मैं अंडे कहने से दीते मैं कहना हूं जरा लफ्स वास्ते मैं तो तैयार बैठा करे ना सही का लफ सुनाए आका दिया थे पाक फरमाए अब्दुल्ला उन्हें के जी फरमा तेरे को दऊ हा कुकेड़ी चंगी जय नहूसा तले शतीर दे तले अंडे देवने छोड़ वाह नहूसा तला शतीर लगे त्रै भर साहबी दी छत ते लगे आठ साल आठ साल तक नहूसत मुक्की नहीं हा तू सारिया चीजा ते गालिब आ गई औलाद नहीं कई बंदे दी जानवर का फल नहीं आया कबूतरी अंडे नहीं दिते ते मुर्गी अंडे नहीं दिते त्रै दी महारा दी ए भी नहूसत है। बरकबला मां ये खाली जापुर करो सो त्रै दी महारा दी ए भी नहूसत है ते जिता चिल्ला है अदावत रसूल चुटसो बोगज रसूल चुटसो वाल असा इस्लाम दे किले हिंतराए एक इबादत गा भाई ये दर्श गा भाई ये खान का कितने सारे बोलो दर्श पहले इबादत दर्श खान इबादत गाज क्या होंगे अल्लाह की इबादत दर्श गाज क्या होंगे दर्श और तदरीस अल्लाह का दीता है नूर का इल्म खान गाज क्या होंगे खान का दू लफ्जा का मुखफफ है असल लफ्ज खान का वा
खान जगाकुआ दिन कावा पीवन वाला मशरूब और ए दू चीजा तो निकले कावा का प्यो नौम का प्यो शहबाद जेड़ा कावा पीते शहबाद घट थी दिए ते जेड़ा कावा पीवे नेंद्री घट आंदी है ते दरबार है होंदा यो कुछ है नफ्स मुका दियो नेंद्री मुका दियो नहीं था नफ्स दा अमल दखल होवे ना नेंदर दा अमल दखल होवे इता जाग दे बावणे ते अपने आप गुण में मुका दे बावणे लखो दरबार दे ही वजह वास्ते खान का को खान का आखा गए और खान कमा जोसन इस्लाम दा मेरे मुस्तफा इबादत गा भी बनाइए दर्स गा भी बनाइए खानकाह ही बनाइए इबादत गा की तरह बनाइए मस्जिद कुबा दर्स गा की तरह बनाइए असाबे सूफा खानकाह की तरह बनाइए अम्मा आयशा दा हुजरा दर्श गाई बेचे इबादत गाई बेचे खानकाई बेचे हुण एक गल तेरे को पूछना चाहना जिथे त्रै चीजा खड़ी होवे समझा है ताल्लुक नबी नाल जिथे एक चीज ते दू चीजा खड़ी होवे समझा है बार होई वदी है इदा ताल्लुक नबी नाल ही कहनी दीन नाल ही कहनी रब रसूल नाल ही कहनी आज भी जमात आले सुन्नत अकीदा है इबादत गा सब तो पहले आका दिया ते पाक 53 साल तक मक्का तुल मुकरमा दी सरजमीन तेरी है मक्का पाक जो कोई एक जा दिखा रहे हो जितना नबी मक्के की मस्जिद बनवाई होगा 53 साल नबी रियन 40 साल तक नबुवत तो पहले ऐलान नबुवत तो 13 साल बाद 13 साल तक कोई नबी मस्जिद मक्के की बनवाई होगा किताब नबी और जीता सरकार मदीने जाके मस्जिद बनवाई आई रकबा के नहीं औरत दा एक रिवायत बई रिवायत है के एक साहबियां एक जवान ही अरब दा इंदा खजूरां दा फल ही जाद उते सुकदा है बई रिवायत है जे औरत दे जानवर ही जादे बदीने हैं मुनाफकन दे ढेडे दर्द पे गया उन आके जीता जानवर बदीजे मस्जिद उतई बनाऊं तो मत ला दो मस्जिद मोहम्मद उत्थम बनवाई है जितना जानवर बदीने ते जितना जानवर बदीने रूड़ी होंगी रूड़ी अलग जाते मस्जिद बनी है नमाज उठा ही बनाओ ही शरारत को घिनावन वास्ते उन्होंने नबी दी मुखालफत करते अपनी मस्जिद दरार से बनवाई साड़ियां जितनी मस्जिद बने से ना वो जडानी बड़ी सन बोगज ही बना दो कहना बड़ी सन जडानी बड़ी सन मोहब्बत रसूल की वजह से जमाते आले सुन्नत को मान ही जमाते आले सुन्नत को एजाज ही जमाते आले सुन्नत को फखर ही सारिया मस्जिद जो कदम बोग्ज कहना निकल सी सारिया मस्जिद जो जडानी निकल सी मोहब्बत रसूल इश्क रसूल निकल सी आओ आज भी अल्लाह के घर को पाक करो अल्लाह के घर की अजमत को बुलंद करो रब रसूल का पैगाम अपने मस्जिद के मीनारा ही ऐसा दो कि लोग नफरत करते तुम्हारे को भजन ना और इंसानियत की तस्लील ना करें जाओ तर जाओ यहूदो नसारा के दिल में ऐसे घुस वजन कि उन्होंने दिल चू कुफर की नफरत को कढ़न उन्होंने दिल च मुहब्बत रसूल के बूटे को पैदा और मुहब्बत रसूल का बूटा पैदा उठा थी सी जिता इश्क रसूल मौजूद हो जिता मुहब्बत रसूल मौजूद हो सी और जिता इश्क मुस्तफा कुट कुट के भराया हो सी जमात आले सुन्नत को अल्लाह करीम की जाते पाक ने मलका एक खासा एक ताकत अता की है कि सारे जितना भी मराकज मौजूद हो सन उन्होंने मराकज विचों उन्होंने मरकजा विचों इन्होंने इदारों विचों भावें सारिया दीवारा कहना हो सन भावें सारे इदारे के कोठे कहना हो सन भावें छत्तू पात्या कहना हो सन भावें असें में कख चाहते इवें बादशाह चाहते असं भावें डबरा ही बनाते बैठे हो सुना वाली हों दे विचों इलम की रोशनी इहो जिही पे निकलदी असी जिहदे विचों मुहब्बत रसूल की खुशबू दूर तक पहुंचती है अल्लाह दी पाक बरगाह विच दुआ पींदे अल्लाह सब दी हाजिरी को कबूल फरमावे आमीन वाखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।